प्रणाम। हमारा ये धारावाहिक सामाजिक पतन एवं मर चुके मानवीय मूल्यों का आईना है। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल हर इंसान सपनों के जाल में फंस चुका है, एक ऐसे माया जाल में जो सच्चाई से कोसों दूर है। क्या बात है, क्या खूबसूरत नाची हैं आप। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। क्या आप टॉप की हीरोइन बनना चाहती हैं? हाँ जी। आपका सपना हम पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा भी सपना पूरा करना होगा। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मुझे बहुत सारा कामयाबी चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी और पैसा भी बहुत मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप मेहता साहब? अरे ये रोमांटिक फिल्म है, ये तो सब रिहर्सल है। एक सेकेंड ना, मुझे एक कॉल करनी है, मैं कॉल अटेंड करके आऊं। ओके ओके, गो अहेड। हाय रूबी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर मुझे भी किसी फिल्म में अच्छा सा रोल दिलवा दीजिए ना। हाँ श्योर। हाँ संजय बोलो, क्या बात है? हाँ राधिका, आज तुम आ रही हो ना? नहीं संजय, बहुत मेहनत करने के बाद एक अच्छा कैरेक्टर मेरे हाथ लगा है। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं एक अच्छा रोल पाने के लिए। इट्स ओके बेबी, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आई नो संजय, बट डोंट वरी बेबी, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा कहाँ इंतजार करूँ? पैकअप के बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके ओके बेबी, नो वरीज, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। बाय। जल्द ही बहुत कुछ पाने की चाहत कभी कभी बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही कुछ हमारी आज की कहानी की नायिका राधिका के साथ होता है। फिल्मी दुनिया में नामी हीरोइन बनने के चक्कर में उसने क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपनी जान तक गंवा दी। राधिका, अपने पापा से बात कर। राधिका, राधिका बेटा। राधिका तुम्हें क्या हो गया? राधिका मैं तेरे साथ रिहर्सल भी कराऊंगा। राधिका, राधिका बेटा कहाँ चली गई, हम लोगों को छोड़ गए। रेनु रेनु शांत हो जाओ, अब राधिका हमारे बीच में नहीं है। राधिका बेटा कुछ तो बोल। राधिका बेटा कुछ तो बोल। बस रेनू, कुछ तो बोल राधिका। रेनू बस करो, बस करो। राधिका मरने के पहले कुछ बता। राधिका एक बार तो बोलो। राधिका ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है राधिका का सुसाइड नोट। केस के सिलसिले में आप लोगों से बात करनी है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी जैसी भी कार्यवाही करना चाहते हैं आप कीजिए। राधिका के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं, आखिर ऐसा उसने क्यों किया? अगर हमें ये सब कुछ मालूम होता तो अपनी बेटी को हम मरने देते क्या? किसी से कोई खतरा या किसी बात का डर? आखिर आत्महत्या का कोई कारण तो होगा ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई आइडिया नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये राधिका एक्ट्रेस थी ना? हाँ साहब, एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वहाँ पे किसी ने कभी उसके साथ कुछ, मेरा मतलब है हमारी बेटी अपनी प्रोफेशन की बातें हम लोग से शेयर नहीं किया करती थी।
हाँ कदम, राधिका की लाश पड़ी है यहाँ, उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राधिका की डेड बॉडी आपको पोस्टमार्टम के बाद सौंप दी जाएगी। बाकी अगर हमें कुछ पूछना होगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे, या मैं आ जाऊँ। ठीक। कदम, 4 दिन हो गए हैं इस चीज को, कब तक खत्म होगा ये? फाइलें पड़ी हुई है, पेंडिंग चल रही है मेरे पास, तो फिर आओ जल्दी। हाँ क्या हुआ? साहब इसे चोरी करते पकड़ा है। कुछ नहीं। सब सर खड़ा रहा, फिर आ गया तू, डाल दे इसको अंदर। सर ये फाइल देख लीजिए एक बार। चल। नमस्कार सर, सर मेरा नाम संजय है। राधिका और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं आपसे कुछ कहने आया। हाँ बैठिए। कही सर, राधिका का मर्डर हुआ है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। क्यों, ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? मैं राधिका को बहुत अरसे से जानता था सर। तो फिर ये भी बता दीजिए, राधिका का मर्डर कौन और क्यों करेगा, बताइए। मुझे ये तो नहीं मालूम कि किसने किया और क्यों किया, लेकिन मर्डर हुआ है उसका। राधिका की डेड बॉडी उसके घर पे मिली है, पॉइजन खा के उसने सुसाइड किया है, सुसाइड लेटर भी छोड़ के गई है वो। सर मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें सही, पर मैं यही कहूँगा कि उसका मर्डर हुआ है। क्यों, आपको क्या लगता है उनके घर वालों ने किया है? अब बाहर से कोई आके आराम से जहर खिलाकर, सुसाइड नोट लिखवा कर, है? बॉडी को घर पे छोड़ के तो जा नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, आप राधिका के घर वालों को कैसे जानते हो? मेरा मतलब राधिका के उनके साथ संबंध कैसे थे? जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे थे, और वो उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखते थे। और आप दोनों की लव स्टोरी के बीच में कोई विलन, आई मीन आप दोनों के रिलेशन से घर वाले खुश थे? हाँ सब खुश थे, और हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। जब सब कुछ सही था तो तुम्हें क्यों लगता है राधिका का मर्डर हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने उसके खिलाफ कोई साजिश की और यहाँ कर? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप पुलिस वाले हैं, सब पर शक करना आपकी आदत है। मेरे जहन में एक बात थी तो मैंने सोचा आपके सामने रख दूँ, इसलिए मैं चला आया। बाकी जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, अभी जा सकते हो, कुछ होगा तो तुम्हें बुलाएंगे। तो कहा जाता है घर में बेटी और आंगन में चिड़िया, जब तक नहीं चहकती तब तक खुशियां अधूरी लगती है। आज ऐसा ही कुछ गोपाल और रेणु को महसूस हो रहा है। क्या राधिका ने सचमुच आत्महत्या की, या फिर किसी साजिश का शिकार है? ऐसे ही परेशान घूमते रहेंगे? बेटियों को भूलना इतना आसान नहीं है, और राधिका के घर में रहने से कितनी रौनक रहती थी। और अब तो बस उसकी यादें ही बची है।
ठीक कह रही हूँ। उसकी एक एक शरारत हमारी आंखों के सामने घूमती है। उसका प्यार से मेरे गले लग जाना, उसका गुस्से में रूठ जाना और उसके वो फिल्म के डायलॉग की रिएक्शन। पापा आप ऐसे बातें मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? हम मुझे अगर घर से निकाल दोगे मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? एक बेटी के लिए अपने पापा की घर ही सब कुछ होते हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? इससे अच्छा तो हम मुझे गला दबा के मार दीजिए, जहर दे के मार दीजिए। पापा आप मेरे को हेल्प करो ना प्लीज। भाई नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी मम्मी ही सही है। वैसे भी इस घर में तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का दोनों का ड्रामा ही सुपरहिट है। अच्छा, आपका बोलने का मतलब है हम दोनों माँ बेटी ड्रामेबाज हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, समझ रही हूँ आपका मजाक। आप दोनों भी ना शुरू कर दिए ड्रामा, ये लीजिए ना पापा, करिए ना प्लीज। ठीक है पर रेनू ये तुम ही संभाल लो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी बेटी का इमोशनल ड्रामा देख के मुझे रोना ही आ रहा है। तुम देख लेना, एक दिन मेरी बेटी ना ट्रक भर भर के पैसे लेके आएगी। मम्मा आपका भी तो यही सपना था ना कि मैं पैसे बनाने की मशीन बन जाऊं? हाँ मैं यही चाहती हूँ, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए तो चाहती हूँ। बस बस आप दोनों अपना इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर देना। आप पापा जब मेरा डायलॉग खत्म होगा आपको ये बोलना है, तुम्हें कैसे पता? ठीक है ठीक है। सेठ जी आज से कई साल पहले हॉर्स राइडिंग पे आप आया करते थे, वहाँ एक लड़का आपका जूता पॉलिश करते थे। क्या पापा आप सब कुछ भूल जाते हो? ठीक है मैं बोलता हूँ, पर ये तुम्हें कैसे पता? आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बहुत अच्छा है, लेकिन ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन का है। क्या फर्क पड़ता है चाहे अमिताभ बच्चन बोले या राधिका चौहान बोले, बातों में दम होना चाहिए है ना पापा? राधिका तुम कहाँ चली? मैं तुम्हारे बिना कैसे जाऊँगा राधिका? कहाँ हो राधिका? चुप कीजिए ना। राधिका आपके रोने से वो वापस थोड़ी आ जाएगी। राधिका के बिना नहीं रहेगा। रहना तो पड़ेगा ही ना। बैठिए आप बैठिए। तुम कहाँ चली गई? ये पानी। मैं किसके सहारे जीऊंगा? पानी पीजिए। मन को शांत कीजिए, नहीं तो पता है उसकी आत्मा जहाँ होगी ना वहाँ उसे शांति नहीं मिलेगी। राधिका की याद में डूबे उसके माँ बाप बेटी के खोने का दर्द सहते रहे, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ने राधिका के कातिलों को ढूंढने का पीड़ा उठा लिया। इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर ने प्रोड्यूसर मेहता से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया। इन्हें तो पहचानते ही होंगे। राधिका चौहान, इन्हें कौन नहीं जानता? मतलब ये इतनी बड़ी स्टार बन गई तो इनको सब जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ उगते हुए सूरज को लोग जल्दी पहचान जाते हैं। आपने कितना पहचाना है राधिका को? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक फेमस प्रोड्यूसर और वो एक मेरी पिक्चर में काम करने वाली एक मामूली सी आर्टिस्ट, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर भी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता था, क्यों? जब सब लोग एक साथ काम करते हैं
तो रिश्ता तो अपने आप बन ही जाता है ना। बात सिर्फ रिश्ते तक ही थी या इससे ज्यादा कुछ और? थोड़ा ज्यादा, पर मैं उसकी कीमत देता था, मुफ्त में कुछ नहीं किया। कीमत इतनी दी तुमने कि उसने आत्महत्या कर ली? ऐसा क्या किया तुमने जिससे वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई? ये गलत बात है इंस्पेक्टर साहब, राधिका खुद अपनी परेशानी की वजह थी। मतलब? थोड़े समय में सब कुछ पा लेने की चाहत उसे यहाँ तक लेके आ गई। कैसे? सनकी थी, गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पर ही रहता था, और कामयाबी पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसकी कमजोरी का किस किसने फायदा उठाया मिस्टर मेहता? सबसे ज्यादा उसकी माँ और उसके प्रेमी संजय ने। कैसे? अब ये पता लगाना तो आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। तुम सच कह रहे हो ना मेहता? अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम अपनी जिंदगी की रील कहीं दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम जा सकते हो। राधिका की माँ और उसके प्रेमी संजय की पूरी कुंडली निकाल के मेरे सामने लेके आओ, और पूरे राहु केतु लेके आना। जी सर। ठीक है, जाओ। संजय की बातों से इंस्पेक्टर सोच में पड़ जाता है, और फिर एक दिन पुलिस का खबरी उसे कुछ और राज बताने आता है। सर, राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आ गई है? हाँ जी सर। अच्छा, क्या निकला उसमें? सर, उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ, उसको जहर देके मारा गया। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। जी सर, ये केस इतना पेचीदा है। हाँ जी, अब पता लगेगा। और सर, वो खबरी आया, भेजू? हाँ भेजो भेजो भेजो। जी सर। अच्छा रुको। हाँ जी, ये जरा वहाँ रख देना। जी सर। ठीक है, जाओ। सलाम साहब। साहब, आपके लिए बोटी लेकर आया हूँ। हाँ तो कल दे। साहब, रेनू राधिका की माँ नहीं है। क्या? माँ नहीं है? हाँ साहब, रेनू गोपाल की बीबी भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? ये बातों को ना जलेबी की तरह घुमाना बंद कर, और सीधे सीधे रास्ते पे आ जा। रास्ते पर ही तो हूँ साहब, रेनू गोपाल की बीबी नहीं है। मतलब एक औरत सालों से नकली माँ और नकली बीबी बन के रहती रही, किसी को पता भी नहीं चला? अरे सर, बाप जिसे उसकी माँ बता दे, बच्चे उसी की उंगली पकड़ के चल देते हैं। तो फिर राधिका और राहुल की असली माँ कौन है और कहाँ है? पता है साहब, गोपाल को सब पता है। अरे तुझे पता है तो तू ही बता दे। इस बात का जवाब राधिका का बॉयफ्रेंड संजय ही दे सकता, सॉलिड जवाब है सर उसके पास। तुझे पता है तो बता ही देना। साहब, जितना पता था वो सब बता दिया ना आपको, जो भी करना खुद ही कर लीजिए। चल ठीक है, जा तू। सलाम साहब। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर गोपाल, पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी असली वाइफ कहाँ है? मेरी असली वाइफ? ये रेनू आपके सामने खड़ी है। ये आपकी असली वाइफ नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये रेनू मेरे साथ इतने बरसों से रह रही है, जानते हैं किस हैसियत से? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आप बकवास कर रहे हैं। बाई द वे, ये आपकी बेकार की बातें सुनने का वक्त मेरे पास नहीं है। मेरा मतलब बड़ा सिंपल है मिस्टर गोपाल, राधिका का मर्डर हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की है। राधिका का मर्डर हुआ है? आप कहना ये चाहते हैं कि कोई आराम से मेरे घर में आता है, उससे सुसाइड नोट लिखवाता है, जहर देता है, और उसको मारकर आराम से यहाँ से चला जाता है? चाहते तो बाहर वाले हैं, घर वालों को कहाँ जाने की जरूरत है? आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बिटिया का कातिल मेरे ही घर में है, उसका कातिल मैं हूं, या उसकी मां रेनू है, या कोई और? बताइए। जल्दी ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे आप ये बताइए, आपकी असली वाइफ कहां है? आप बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? रेनू मेरी वाइफ मेरे सामने खड़ी है, आप जा सकते हैं यहां से। अभी आपको आराम की जरूरत है, मैं बाद में आऊंगा। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद आप खामोश खड़ी रही, कमाल है। भारतीय नारी तो अपने पति के कैरेक्टर पर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इतना कुछ बोल गया और फिर भी खामोश खड़ी रही। खैर कोई बात नहीं, संजय को लेके आऊंगा, तब सब बातें खुल के होंगी।
मेहता का बच्चा ना पागल हो गया मेरे लिए, कहीं मेरी चक्कर में वो अपने बीवी बच्चों को घर से ना निकाल दे। अरे ये तो फिर अच्छी बात हुई ना, तुम तो वहाँ पे रानी बन के रहोगी। मुझे नहीं बनना है रानी, मैंने बहुत देख लिया इस फिल्म इंडस्ट्री की रंगीन दुनिया को। बाहर से ये जितना ब्राइट है अंदर से उतना ही डार्क है। अरे तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं रे, बहुत कुछ बर्बाद करने के बाद अब वसूलने का टाइम आया है। तो चड्डा की इज्जत बचाने के लिए उसको कितना ऑफर किया तुमने? मैंने लिस्ट दे दी है साले को। रेप से बचने के लिए 3 लाख, अटेम्प्ट टू रेप से बचने के लिए 5 लाख। मास्टर हो गई है तुम। हाँ वो तो मैं हो गई हूँ, क्या करे, इन प्रोड्यूसर ने तो मुझे बनाया है। छोड़ो ना ये सब बातों को, चलो गई और पार्टी करने चलते हैं। अरे नहीं यार, अब उस नशे का मन ही नहीं, अब तो मुझे तुम्हारा नशा चाहिए। अच्छा, लिस्ट तुम्हारी भी बना के रखी है मैंने, लंबा केस ठोकूंगी तुम पे। अरे क्या बोल रही हो तुम? इसको क्या कहेंगे आप लोग, गलती के बदले गुनाह, और वो भी एक मां के हाथ से। इसे समझदारी कहेंगे या ना समझे, ऐसी कोई घटना जब सामने आए तो हमें अपनी पूरी समझदारी और विवेक से काम लेना चाहिए। गोपाल जी क्या कर दिया आपने, रेणु जी का खून कर डाला। इंस्पेक्टर साहब, 20 साल से ये औरत मेरा खून चूस रही थी, एक छोटी सी गलती ने मुझे इसका गुलाम बना दिया। काश ये कदम मैंने 20 साल पहले उठा लिया होता तो आज मेरे बच्चे मुझसे दूर ना होते। मैंने अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। काश 20 साल पहले मैं अपना असली चेहरा अपने बच्चों को दिखा देता तो शायद मुझे माफ कर देते। ये रेणु और शारदा मेरी वाइफ दोनों जुड़वा बहनें थी। शादी के बाद इसकी गलत नजर मुझ पर थी और इसने मुझे पाने के खातिर अपनी बहन को ही अपने रास्ते से हटा दिया और मुझे फंसा दिया। मैं अपने मासूम बच्चों की खातिर इसके जाल में फंसता चला गया और ये कमीनी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा जमीर गवाह है कि मैंने आज तक इसे हाथ नहीं लगाया। गुजरते वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते चले गए और मैंने भी इसके साथ चलने का फैसला कर लिया। हद तो तब हो गई जब ये औरत मेरी बेटी की खुशी और उसके प्यार संजय को ही छीनने की कोशिश की और ये घटिया इंसान संजय मर्यादा को ही भूल गया। संजय प्लीज मुझे भी किसी फिल्म के लिए रेकमेंड करो ना। डोंट वरी बेबी, बहुत से लिंक्स हैं कहीं ना कहीं। पर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे टाइम तो हर जगह लगता है ना यार, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें राधिका से भी ऊपर लेके जाएंगे। टूपी, तो यहाँ क्या कर रही है? ये इंसान एक नंबर का धोखेबाज इंसान है, इसने मुझे भी धोखा दिया है और तुझे भी धोखा देंगे। अरे और तुम बेबी मत ले मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से, तेरे जैसा इंसान कभी सच्चे प्यार का मतलब समझ ही नहीं सकता। सच कहूं तो मैंने प्यार को नहीं अपनी मजबूरियों को बेचा। वो माँ जो तुम्हारी माँ थी ही नहीं, उसने मेरी मजबूरियों को खरीदा है। तू क्या कह रहा है, वो मेरी माँ नहीं है? फिर कौन है वो? इतने सालों से वो मेरे बाप के साथ क्या कर रही है, किस रिश्ते से रह रही है वो, बताओ। राधिका, तुम्हारे सवाल का जवाब या तो तुम्हारी माँ दे सकती है या तुम्हारे पिताजी। सीमोनी प्लीज तू यहाँ से चल। हेलो, हाँ रेणु जी, राधिका को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और यही नहीं उसे ये भी पता लग गया कि आप उसकी माँ नहीं है। वो यहाँ से बहुत गुस्से में निकली है,
मैं तो डर रहा हूँ कि कहीं आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। प्लीज अपने आप को बचा लीजिए। जी दोनों में से कोई भी मरे फायदा तो मेरा ही होना, क्योंकि आगे जाकर जिंदगी में किसी एक को मेरा सारथी बनना ही है। अब चाहे जो भी है, किया तो आपने क्राइम ही है ना। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दूंगा, फिलहाल आप मेरे साथ चलिए। चलिए राधिका की हत्या में रेनू के साथ तू ही था ना? नहीं 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 सर, मैं उन दोनों माँ बेटे के बीच में पढ़ना ही नहीं चाहता था। हाँ तो चाहता था हमेशा के लिए एक ना एक निकल जाए, ताकि एक का सारा तो तुझे मिल ही जाता। क्यों, पर एक बात बता, ये राधिका का सुसाइड नोट का क्या चक्कर है पता? सर राधिका के मरने के बाद जैसे मुझे उसके सुसाइड के बारे में पता चला, शॉक हो गया था सर मैं। और मैंने रेनू से पूछने की कोशिश भी की तो उसने मुझे बताया कि वो कल ही किसी फिल्म के सीन की रिहर्सल कर रही थी सर। हेलो मम्मा। हेलो, क्या है आज तुम फिर इतना लेट हो गई? आपको तो पता है ना मम्मा कितना सारा काम रहता है। अच्छा क्या काम रहता है इतना सारा? इतना सारा डायलॉग्स याद करना होता है, पूरे दिन का शेड्यूल, यू नो ना मम्मा। ये तो अच्छी बात है ना, इतने सारे डायलॉग्स जब राइटर तुम्हारे लिए लिखते हैं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वो तो ठीक है मम्मा, फिर भी पेज भर भर के डायलॉग, यू नो। और देखो ना कितना सारा डायलॉग यार, कैसे करूंगी, आई डोंट नो। तो
रेनू ने बड़ी चलाकी से दूध में जहर मिला लिया और वो लेटर उसे अपने बचने का जरिया बना लिया। तू भी तो उससे प्यार करता था ना, आशिक था उसका, हाँ? तो उस दिन मेरे पास क्यों आया था शिकायत करने कि राधिका का मर्डर हुआ? सच है, इस धरती पे सबसे मुश्किल काम अच्छे इंसान की पहचान करना, और तेरे जैसे इंसानों ने अच्छे इंसानों की पहचान छीन रखी। लेके जाओ उसे, चल। मान लेते हैं कि एक बेटी अपने माँ बाप की परवरिश को दागदार कर देती है। क्या ऐसा करके एक माँ अपनी ममता का गला घोटकर अपनी ममता को दागदार नहीं कर देती? सोचना जरूरी है। इसी के साथ अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखें, सजग रहें, सतर्क रहें। प्रणाम।